सहदेव और मेरे YouTube चैनल ये सहदेव म्यूजिक में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलते हैं म्यूजिक से रिलेटेड वीडियोस। आज के इस वीडियो में आप समझ ही गए होंगे मैं कौन सा सॉन्ग कौन सा गाना आपको सिखाने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि तुमसे मिलकर सॉन्ग का म्यूजिक और लीडिंग कीबोर्ड पर कैसे प्ले करना है, वो भी सिंगल हैंड से, एक ही हाथ से कीबोर्ड पर कैसे प्ले करना है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट अभी जाइए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस गाने को सीखने से पहले सबसे पहले हमें इसकी स्किल के बारे में पता होना चाहिए कि ये गाना किस स्केल में प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये गाना ई माइनर स्केल का है। ई माइनर स्केल, ये है ई माइनर कॉर्ड, तो ये हो गया ई नोट। इस गाने का जो सा है वो है ये, यहीं से गाना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए इस गाने की जो स्टार्टिंग है वो है स्ट्रिंग टोन से, स्ट्रिंग की वॉइस से। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग की वॉइस लगा लेंगे और यहाँ से प्ले करेंगे। 4-4 टाइम प्ले करना है, देखिए ध्यान। अब यहां से हमें 8 बार प्ले करना है। ठीक है, देखिए ऐसे। अब इसी को हमें स्पीड में कैसे प्ले करना है ये भी आप देख लीजिए। अब इसके बाद हमें कोरस की वॉइस लगाना है। ठीक है, कोरस की वॉइस हमने लगा ली, यहां से प्ले करना है। कंप्लीट हो गया, इसके बाद वापस हम स्ट्रिंग लगाएंगे और यहां से हम प्ले करेंगे। ठीक है, देखिएगा। इसी पीस को फास्ट कैसे प्ले करना ये भी देख लीजिए। अब इसके बाद आएगा प्लग साउंड, तो हमें प्लग की वॉइस लगाना है। यदि आपके पास प्लग की वॉइस नहीं है तो आप इसी से मिलती जुलती कोई सी वॉइस लगा सकते हो, संतूर हो गया, सितार हो गया, कोई सी भी। ठीक है, प्लग साउंड देखेगा। फास्ट कैसे प्ले करना है ये भी देखिए। ठीक है, अब इसके बाद वापस स्ट्रिंग लगाना है और यहां से प्ले करना है। प्लग साउंड लगाओ। ठीक है, फिर से देखिए। तो यहाँ पे हमारा शुरू का म्यूजिक एंड हो गया है। अब इसके बाद गाने की मेन लाइन है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, वो वाली लाइन आएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे हारमोनिका लगा लूंगा। आप चाहें तो पियानो, सैक्सोफोन, हारमोनियम, कोई सी वॉइस लगा सकते हो। ठीक, अब देखिए यहाँ से प्ले करना है मेन लाइन, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। Thank you.
बाद हमें वापस स्टेज लगाना है और जो नेक्स्ट म्यूजिक है वो पूरा म्यूजिक हम प्ले करेंगे। देखिएगा यहाँ से हमें प्ले करना है, ठीक है? शुरुआत फास्ट कैसे प्ले करना है ये भी देखिए। अब इसके बाद फ्लूट, वो बहुत ही मेन पार्ट है, उसे आपको बहुत ही आंखें गड़ा कर ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए अब ये फ्लूट का पीस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वापस हमें स्ट्रिंग लगानी है और यहां से प्ले करना है। क्या प्ले करना है देखिए ध्यान से। देखिए जो सेकंड म्यूजिक है स्ट्रिंग फ्लूट फिर स्ट्रिंग, इसे फास्ट कैसे प्ले करना ये भी देखिए। अब स्ट्रिंग लगा लेता हूं मैं, देखिए का यूज करूंगा। देखिए यहां से अंतरा प्ले करना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो ट्यूटोरियल यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक का एम है 200 लाइक। यदि 200 लाइक हो जाते हैं इस वीडियो में तभी मैं इसका सेकंड पार्ट, इसके जो भी आगे म्यूजिक है जो भी अंतरा है वो सेकंड पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन 200 लाइक होने के बाद ही इस गाने का सेकंड पार्ट बनेगा।